इंदौर वार्ड 7 में हुए आयोजन ने भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया है। 21 अक्टूबर 2019 को दलाल बाग में भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जरूरतमंद लोगों के साथ दीपावली मनाने का आयोजन जरूरतमंद लोगों की बिजली चोरी करके आयोजित किया गया। ये है भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चरित्र। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। 15 साल मध्य प्रदेश को लूटने वाले आज भी बिजली चोरी करके मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। व्यापम सिंह चौहान अब बिजली चोर चौहान बन गए हैं। दलाल बाग में भाजपा के इस कार्यक्रम में डीपी से सीधे तार खींचकर बिजली चुराई गई। अनेक खंभों से सीधे तार जोड़कर बिजली चुराई गई है। ये एक गंभीर अपराध है। साधारण आदमी का बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कर देते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम बिजली चोरी कर रहे हैं। इस संदर्भ में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत करके चोरी का प्रकरण आयोजकों के खिलाफ दर्ज करना चाहिए। इस संदर्भ में बिजली विभाग को बताया गया है, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चोरी होना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 15 साल यही लूटने का सिलसिला जारी था और वही आदत भाजपा की आज भी है। तो एक मीटर से डली हुई केवल एक डीपी से डली हुई है सर, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब डीपी से भी ली जा रही है? अच्छा, कितनी मतलब लाइट लगी होगी पूरी? बहुत लगी। तो आप प्राइवेट हो कि इससे हो एमपी? आप प्राइवेट ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।